वेलकम बैक गाइस, आज हम लोग देखने वाले रिप कमांड, ड्राफ्ट कमांड एंड शेल कमांड और आखिर में हम बोनस कमांड देखेंगे, ठीक है। एंड चलिए शुरू, लेट्स स्टार्ट विद रिप कमांड। ओके, तो शुरू करते हैं। ये हमारी है फर्स्ट फेज, आपको जाना है फ्रंट लेन, क्लिक स्केच, नाउ गो टू द लाइन। अच्छा, पहले ये तीन कमांड देखते हैं, रिप ड्राफ्ट और शो, दोनों तीनों फीचर्स में आएंगे। नाउ सेलेक्ट लाइन, मेक वन वर्टिकल लाइन एंड अनदर एट राइट एंगल। नाउ असाइन इट्स डायमेंशन, 90 and the horizontal one let's keep is 120. Click OK. Now go to the offset entities, मैं पहले भी देखा हुआ है, and click the portion sketch. Okay, आपको वहाँ पे K paints में जाना है and वहाँ पे line select. तो वैसे आपको एक close sketch आपको बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब आपको एक्सट्रूड करना है उसको, पिक्चर में जाके एक्सट्रूड बोस बेस, हमारा बेसिक वाला ही। और ड्राफ्ट कमांड हम यहाँ से भी सीख सकते हैं, पर ड्राफ्ट का हम लोग अलग से सीखेंगे, ठीक है। और आपको डायरेक्शन में रखना है मिड प्ले। तो इस तरह से हमारा ये जो कुछ कंपोनेंट है वो इस तरह से बनेगा। ओके, तो नाउ अगेन गो टू फ्रंट प्लेन, एंटर स्केच। Now right click on front plane and normal, ठीक है। तो आप ऐसे normal हो, अब select line और आपको ऊपर के जो edge है उसको select करनी है। अच्छा, ये ऊपर select नहीं हो रहा, वो plane, go to front plane and extend plane। ये करने की जरूरत नहीं है, पर वो जो front plane लिखा हुआ था वो बीच में आया। Okay, now click on the edge, click नहीं, आपको click एंड यहाँ पे इस साइड पे भी क्लिक, तो एक लाइन बनेगा, ठीक है, इस तरह से। तो वो दोनों एजेस को टच कर रही हो। अब आपको जाना है फीचर में और रिप कमांड पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे येलो लाइन आपको दिख रही है, एक है लेफ्ट साइड, दूसरा है मिडल एंड तीसरा है राइट साइड, ठीक है। तो अभी मिडल वाला रखते हैं और उसकी थिकनेस कितनी रखनी है, 10, 20, 30 एम एम, अभी 10 रखते हैं जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, 15। ओके, यहाँ पे मटेरियल, ये जो है वो मटेरियल बाहर की तरफ आ रहा है, ये मटेरियल अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन बाहर की तरफ कोई सरफेस है नहीं, तो इसलिए वो बाहर जाएगा नहीं, इसलिए हम अंदर की तरफ ही रखते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमारा जो रिप कमांड है वो वर्क करता है। ये जो बीच में जो बना हुआ है ये है हमारा रिप, ठीक है। नाउ सेकेंड कमांड आता है ड्राफ्ट कमांड। अगेन गो टू फ्रंट प्लेन, कैच, सिलेक्ट सेंटर रेक्टेंगल, मेक अ रेक्टेंगल एंड असाइन इट्स डायमेंशन, लेट्स से 260 एंड वर्टिकल वन लेट्स से 150। Go to feature, extruded boss base, और extruded हमें करना है up to 150. Now click OK. तो ये हमारा जो box है जो बन चुका है, ठीक है। और now go to draft command and यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है एंटिटीज, और ये डिग्री हमें दिख रहा है कितनी डिग्री हमें अंदर जाना है या बाहर निकालना है, यानी ये एक प्लेन सिलेक्ट किया और ये दूसरा प्लेन सिलेक्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या होता है, और ये मैंने ऊपर के साइड में तीसरा प्लेन ये सिलेक्ट कर और डायरेक्शन लगा दी डाउन। अब मैं क्लिक करता हूँ तो मैंने जो दो ब्लू वाले प्लेन सिलेक्ट किए थे वो एक एंगल पे आ गए,
ठीक है, ये अभी जिसपे कर्सर आ रहा है ना वो। अगेन गो टू ड्राफ्ट, मेक एडिट फीचर, और 10 डिग्री की जगह 30 डिग्री 30 डिग्री मतलब ज्यादा हमें तो डिफरेंस पता था। नाउ गो टू ऑल फेसेस, नीचे सिलेक्ट करने पे ओके। तो अभी ये कुछ नहीं करना है, हमें पहला ही नेचुरल पेन ही रखना है एंड क्लिक ओके। तो अभी आपको डिफरेंस पता चलता होगा, पहले 10 डिग्री में ना ठीक से दिख नहीं रहा, तो ये 30 डिग्री करने पर ड्राफ्ट कमांड ऐसे वर्क करता है। ठीक है, अगेन गो टू ड्राफ्ट, एडिट फीचर, ओके अब नेचुरल प्लेन 30 डिग्री रखता है ओके। तो अभी मैंने वो जो पुराने दो प्लेन सिलेक्ट किए थे ना 10 डिग्री वाले, वही दो सरफेस मैंने सिलेक्ट किया, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ड्राफ्ट का यूज मैक्सिमम हमें कुछ फनेल जैसा कुछ बनाना है ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ड्राफ्ट कमांड। ठीक है, अभी जाना है बॉक्स में एडिट फीचर, और पहले मैंने बताया था कि यहाँ से भी आप ड्राफ्ट कमांड को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने 10 डिग्री लिखा हुआ है, तो एक्सलरेट जो हो रहा है वो ऐसे इनवर्स जा रहा है, यहाँ पे डिग्री मैं घटा देता हूँ 2 डिग्री, लेट्स से 10 डिग्री 20 डिग्री। तो इस तरह से ये ड्राफ्ट जो है वो हमारा एक्सलरेट जो है वो इनवर्स होता जाएगा, जो बीच की जो एक्सिस है नॉर्मल एक्सिस उसके अलोंग। अब मैं ड्राफ्ट आउट पर करूंगा तो ऐसे फनल जैसा हमारा जो पूरा सरफेस है वो बन रहा है। अब मैं जैसे डिग्री बढ़ाता जाऊंगा वैसे वो जो सरफेस का जो एरिया है, बड़ी सरफेस का एरिया, वो बढ़ता जाए, लेट्स से 30 रखते हैं। ठीक है ओके, नाउ क्लिक ओके। तो ड्राफ्ट का कमांड का यूज आप दो तरह से कर सकते हैं। अभी दोस्तों हमें देखना है शेल कमांड, तो शेल कमांड हम इसी कंपोनेंट में यूज करेंगे। तो ये शेल कमांड क्या होता है, शेल बेसिकली होता है एक कीड़ा आता है मालूम है आपको, जो एक शेल के अंदर ही रहता है बस, तो वो जिसके अंदर रहता है ना उसे शेल कहते हैं। तो उस तरह से कुछ शेल जैसा बक्सा जैसा बनाना हो जिसके अंदर जगह हो उसका यूज हम इस तरह से करते हैं। तो गो टू शेल कमांड एंड आप अपनी डायमेंशन दे दीजिए, मुझे 10 mm रखना है। ठीक है, तो मैं 10 mm रखता हूँ, तो ये येलो लाइन जो है वो अंदर बार हो रही है। ठीक है, मेरे डायमेंशन के अकॉर्डिंग ओके। नाउ ड्रा शेल आउटवर्ड, तो जो बीच का जो ब्लू पोर्शन है वो कट हो जाएगा और जो बाहर वाला जो हमारा येलो पोर्शन अभी बना है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ अभी आता है मल्टी डायरेक्शन सेटिंग में, अभी अपने बीच में अभी आता है मल्टी डायरेक्शन सेटिंग। ठीक है, तो अभी मैंने ये सरफेस सिलेक्ट की पिंक वाली और मैं उसके अकॉर्डिंगली डायमेंशन देता हूँ 2 mm, नहीं ये तो कुछ नहीं, हाँ लेट्स से 50 mm, हाँ नहीं 60 रहे डिफरेंस पता था ओके। नाउ क्लिक ओके। तो ये हमारा जो शेल पूरा बन चुका है, हमारी जो बॉडी थी वो पूरी शेल की तरह बन। अब मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखूंगा तो वो यहाँ पे आ रहा है 60.28, मतलब अप्रोक्सीमेट 60। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं दोनों के बीच का डिफरेंस देखूंगा तो आ रहा है अराउंड 34, मतलब अप्रोक्सीमेट 30 आप ले सकते हैं, क्योंकि वो ड्राफ्ट हो रहा है ना नीचे, इसलिए उसकी जो लेंथ में हमने जो 30 रखा था वो इधर उधर हो जाता है। ओके गाइस, तो अब आता है हमारा बोनस कमांड जो है होल विजार्ड। तो होल विजार्ड में जाने के लिए आपको सिंपली गो टू द टॉप प्लेन स्केच, ये प्रोसीजर हमारा वही पुराना है, सिलेक्ट सेंटर रेक्टेंगल, मेक अ रेक्टेंगल, असाइन इट्स डायमेंशन एंड एक्सट्रूड पोजीशंस ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो आई गेस के ये तो आपको बेसिक पता चल चुके होंगे। तो होल विजार्ड का यूज क्या होता है कि हमें कहीं पे होल करना है, ठीक है, हमें कहीं पे हमारा बोल्ट जो है स्क्रूज जो है वो लगाना होता है, तो स्क्रूज के अकॉर्डिंगली हमें होल बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि उसका जो हेड क्लियरेंस रहता है, उसकी जो थ्रेड्स होते हैं, फिर उसकी जो थ्रेड्स की लेंथ होती है,
उसके हिसाब से हमें हॉल करने में क्या थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, इसलिए हॉल विजर्ड का हम लोग यूज करते हैं। तो सिंपली गो टू हॉल विजर्ड्स एंड अच्छा ये तो सब फेवरेट्स के लिए तो ये हॉल्स के टाइप्स है, जैसे काउंटर सिंक है, हॉल है सिंपल हॉल, फिर आता है स्ट्रेट टैप, फिर आता है टेपर टैप, लेगेसी हॉल एंड बहुत जैसे काउंटर बोर्ड स्लॉट, काउंटर सिंक स्लॉट एंड सिंपल स्लॉट। तो यहाँ पे बॉल्स के टाइप्स आते हैं, थोड़े बहुत हमें आंसी मैट्रिक्स ही रखना है। अगर आपके कंपोनेंट्स इंच में होते हैं इंच में तो आप आंसी इंच भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें करना है सॉकेट बटन हेड स्क्रू, नहीं हाँ सॉकेट बटन हेड स्क्रू, और यहाँ पे हमारी साइज है कि 8 mm का हमने बोल्ट अपना सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो क्लियरेंस है वो हमें दिख रहा है, ये जो 15 mm ये बाय डिफॉल्ट आता है, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मेरे हिसाब से जहां तक आप कस्टम रखोगे तब तक अच्छा है, क्योंकि पहले से बाय डिफॉल्ट हमारे स्क्रूज क्या बोल्ट्स के अकॉर्डिंगली वो बन के आते हैं। ओके तो हमें एंड कंडीशन थ्रू वाली रखनी है। ओके तो हेड क्लियरेंस है हमारा, हेड और जो सरफेस है वही, जिस सरफेस को हम अपना हॉल पुट कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच का क्लियरेंस कितना रखना है, तो मिनिमम यहाँ पे आप 10 रख सकते हो, 10 से कम आप नहीं रख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 11 mm रखा है, ठीक है। ओके नाउ ये दिखा रहा है थ्रू वॉल, ओके तो थ्रू वॉल करना है हमें, क्योंकि पहले हमने थ्रू वॉल सिलेक्ट किया है। ओके नाउ गो टू काउंटर बोर्ड सिलेक्ट पोजिशन एंटर 3D स्केच। ओके तो यहाँ पे मैं कहाँ जहाँ भी कर्सर ले जा रहा हूँ वहाँ पे एक होल जैसा बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये येलो डॉट है आपको दिखेगा नहीं, पर हाँ नाउ यू कैन सी। तो मैंने ये 4 होल ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ओके एंड डायमेंशन असाइन कर देता हूँ, यहाँ से ऊपर वाली एज का होगा लेट्स से 30 एंड फ्रॉम लेफ्ट एज दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी 30। ओके नाउ क्लिक, ओके तो नाउ जस्ट गो टू एंटर एंड यू कैन सी 4 होल्स बन चुके हैं हमारे नीड्स के मुताबिक। नाउ अगेन गो टू को फीचर मैनेजर की राइट क्लिक एंड एडिट फीचर, अगर आपको कुछ उसमें फेरफार करना है पहले जो हमने किया था उससे कुछ अलग करना है या फिर तो आप कर सकते हो। अब मैं सिलेक्ट करूंगा M16, ठीक है, M8 का था पहले, तो आपको M छोटा करना है बड़ा करना है कुछ भी कर सकते हो, मतलब एडिट फीचर में जाकर सिंपली गो टू देयर एंड एडिट अकॉर्डिंग टू योर। ओके तो ये बन चुका है हमारा हॉल, ये देखिए ये हमारा है ऊपर का हेड और ये जो नीचे जा रहा है पूरा हॉल हमारा वो होगा हमारा थ्रेड्स वाला हॉल। नाउ हॉल विजार्ड गो टू थ्रेड्स थर्ड ऑप्शन। ओके नाउ थ्रेड लोकेशन, तो सबसे ऊपर वाली जो सरफेस होगी वो हमें सिलेक्ट करना है, एज, उसके बाद आपको फेस सिलेक्ट करना है, फिर ऑफसेट क्या उस वाली सरफेस से कितना mm या कितने डिग्री से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी 10 mm 2 mm आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो हमारी ब्लू वाली सरफेस सिलेक्ट की है उसे 2 mm नीचे से वो स्टार्ट करेगा थ्रेड बना और 30 degree एंगल पर। तो हमें कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन चाहिए, ठीक है, अभी मैंने 60 किया है तो चलिए देखते हैं 60 कितने तक जाए। तो बाद में तो ये 4 टाइप से आता है, जैसे 1, 1.25, 1.5, 1.75 एंड 2, इस तरह से 1 और 2 के बीच में ये जो 4 पार्ट पड़ते हैं, क्योंकि आपको 0 एंगल 45 एंगल और 90 एंगल उस तरह से
पूरा आता है, ठीक है, ये जैसे 0, 90, 180 उस तरह से। ओके, तो ये नीचे से भी हमें ऑफसेट पूछ रहा है, नहीं अभी तो ऑफसेट नहीं रहा। ओके, आप कौन सी डाई यूज करना चाहते हो, क्योंकि हमने मैट्रिक बोल्ट सिलेक्ट किया है तो मैट्रिक डाई ही यूज करेंगे ऑब्वियसली। और एक्सट्रूडेड थ्रेड या फिर कट थ्रेड, हमें जो थ्रेड्स है वो मटेरियल के अंदर कट करना है, ये एक्सट्रूडेड थ्रेड जो मटेरियल है उस पर एक्सट्रूड करवाना है। हमारा जो ये थ्रेड सिलेक्ट हुआ है ग्रीन वाला, तो सिंपली एक्सट्रूडेड थ्रेड एंड दीज आर सम ऑप्शंस फॉर थ्रेड टू मेक थ्रेड मोर कंफर्टेबल विथ अवर कंपोनेंट। और ये प्रीव्यू ऑप्शन है कि आप किस तरह से उसको देखना चाहते हो, जिससे आप लाइट थोड़ा डार्क या फिर उस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। और भी वायर फ्रेम प्रीव्यू हो तो उस तरह से आप उसके बीच का जो गैप है वो हमें घटता दिखाई दे रहा है, अब बढ़ रहा है। तो ये इसकी आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, पर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ओके, तो हमारे थ्रेड्स बन चुके हैं, रुकिए इसमें से ठीक से दिखा रहे हैं, तो लेट्स से सेक्शन शुरू करते हैं। सेक्शन को लिखा हुआ ये वाला नहीं, हाँ ये वाला सेक्शन भी, एंड गो टू बैक। ओके, हाँ हाँ ऐसा, नाउ क्लिक ओके। ओके, नाउ जूम जूम। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कि हमारा थ्रेड जो है वो बन चुके हैं, हमारी सरफेस जो ऊपर ने हमने सिलेक्ट की थी उससे 10 एमएम की दूरी पे हमारे थ्रेड्स बनना चालू हुए हैं। ये जो ऊपर के सरफेस है उससे नीचे ये वाले जो थ्रेड है वो 10 एमएम की दूरी पर है, एंड अभी ये सेक्शन भी है इसलिए वो राउंड हमें पूरा दिख नहीं रहा है, पर ये है हमारा होल मिरर का थ्रेड्स, ठीक है। ओके, तो अब सेक्शन के बाहर आते हैं। तो गाइज, ये था हमारा बोनस कमांड, और इसमें हमने देखा होल विजर्ड। होल विजर्ड का यूज हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, तो आप अपनी तरह से भी पूरी कोशिश करिएगा सीखने के लिए। अगर आपको कुछ डाउट्स आ रही है, क्वेरीज आ रही है, तो प्लीज मुझे इस वाले ईमेल एड्रेस पर आप क्वेरीज सेंड कर सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट सॉल्व हो। और गाइज, आपको आई होप कि आपको ये बेसिक ट्रेनिंग में मजा आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी सजेशन है, कोई क्वेरीज है, तो भी आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।